हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कायम की राजधर्म की मिसाल, अंतिम संस्कार में शामिल न होने के साथ साथ दिया बड़ा संदेश। अपने पूज्य पिताजी को स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए अर्पित की उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। कहा, लॉकडाउन के बाद आऊंगा दर्शनार्थ। गिरीश कुमार पांडे की गोरखपुर न्यूज के लिए विशेष स्टोरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का सोमवार को दिल्ली के एम्स में हुआ निधन। लीवर और किडनी की बीमारी से थे ग्रस्त। मंगलवार को उनके पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। लॉकडाउन के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे शामिल। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की कोरोना वायरस के चुनौतियों की समीक्षा। कोरोना से संक्रमित मरीजों का डाटा तैयार करने के दिए निर्देश। डीएम और एसएसपी ने महानगर के विभिन्न मोहल्लों और गलियों में भ्रमण कर लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा। गरीबों में वितरित किए राशन, लोगों से किया अपील, कहा रहें घरों में जिससे अपना जिला रहे कोरोना मुक्त। प्रदेश की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा में ई लर्निंग तथा आरोग्य सेतु ऐप पर की चर्चा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्रों को शिक्षा देने के दिए निर्देश। 19 और 20 अप्रैल को जनपद में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसान टोल फ्री नंबर या जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं शिकायत। एडीएम वित्त व राजस्व ने दी जानकारी। बेलीपार थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में 16 अप्रैल की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में 16 वर्षीय किशोरी के द्वारा आत्महत्या मामले में पुलिस ने वादी उप निरीक्षक लालचंद वर्मा की तहरीर पर मुकदमा किया दर्ज। मृतिका के बहनोई को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर नगर निगम में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। महापौर की अध्यक्षता में दिवंगत आत्मा को दी गई श्रद्धांजलि। अहरौली गांव में सोखा हत्याकांड का गोला पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। अंधविश्वास में दो युवकों ने चाकू से वार कर सोखा की थी हत्या। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया खुलासा। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पार्षद द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। गागा पुलिस को सफलता लगी हाथ। चोरी की 5 बाइक के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया खुलासा, दी जानकारी। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन में ढील के बाद सोमवार से सरकारी दफ्तरों पर नगर निगम में भी कर्मचारियों ने शुरू किया काम। नगर आयुक्त ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑनलाइन व्यवस्था पर है जोर। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। अपने सामने डाउनलोड कराया आरोग्य सेतु ऐप। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सोमवार को महानगर में पासधारी ठेले पर फुटकर सब्जियों के रेट देखने को मिले अलग अलग। और लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी सोमवार को महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। बेवजह घूमने वालों को एक एक मीटर की दूरी पर बैठाया गया घेरे में।